शैक्षिक उन्नयन हेतु जिले में कई नवाचार किए गए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशन में स्कूलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिका सुरक्षा हेतु आत्मरक्षा के विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में एल्युमिनी मीट का एवं वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। भामाशाहों की मदद लेकर स्कूलों का कायाकल्प हुआ। इसी क्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावली ब्लॉक धौलपुर में भामाशाह सम्मान एवं लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भूतपूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन धौलपुर, विनीता जायसवाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा एवं भगवती प्रसाद जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। संस्था प्रधान सुखो देवी रावत द्वारा समस्त अतिथियों एवं भामाशाहों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मूल अधिकार है और इसके उत्तम और पर्याप्त विद्यालय भवन एवं उचित शैक्षणिक प्रबंधन हेतु भामाशाहों का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यालय तगावली में विगत 3 वर्षों में 27 लाख का सहयोग विद्यालय को प्राप्त हुआ है। यह प्रधान आचार्य सुखो देवी रावत के अथक प्रयासों से ही संभव हो सका है। दायित्वों के प्रति इस प्रकार निष्ठावान संस्था प्रधान एवं भामाशाह ही शैक्षणिक उन्नयन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने अपने उद्बोधन में कहा कि तगावली विद्यालय में भामाशाहों द्वारा विगत 3 वर्ष में 27 लाख के सहयोग से कराए गए विकास कार्य में मैं सराहना करता हूँ। अतिथि विनीता जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में धौलपुर अपनी विशेष पहचान रखता है। उन्होंने आत्मरक्षा एवं NCC बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए डेमो की प्रशंसा की। भामाशाह दीवान सिंह सेवानिवृत्त पटवारी ने विद्यालय गेट निर्माण एवं मां सरस्वती के मंदिर का निर्माण कराया गया। सुरेश बाबू ने मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान कर विद्यालय परिसर को लाभान्वित किया। इसके अलावा मंदिर निर्माण के लिए निवासी की पटवारी सुरेश बाबू, धनक सिंह जी, उत्तम सिंह जी, लाटन सिंह जी जो 85 है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस शाला के निर्माण में निर्माण कार्यों में अपनी सभी भूमिका अदा की और शाला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज इस अवसर पर श्री कुशवाहा, श्री बाकीलाल जिलोदा, श्री गोविंद जादव और देवेंद्र प्रताप सिंह जादव, मुझे पूरे ही सालों को पता ही नहीं चला।